वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B12 किस किस तरह से हमारे लिए आवश्यक है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए विटामिन B12 आवश्यक है। विटामिन B12 की कमी से एक प्रकार का एनीमिया हो सकता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है, जिसमें बड़ी अविकसित लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। DNA संश्लेषण की बात करें तो ये कोशिकाओं में आनुवंशिक मटेरियल DNA के संश्लेषण में शामिल है। ये कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र के रखरखाव में भूमिका भी निभाता है, जिसमें माइलिन का निर्माण भी शामिल है, एक वसायुक्त पदार्थ जो तंत्रिका तंतुओं को घेरता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। B12 वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में शामिल होता है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद भी करता है। ये सेरोटोनिन और डोपामाइन सहित कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में भूमिका निभाता है, जो मूड विनियमन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से मांस, मछली, पोल्ट्री, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे पशु उत्पादों में पाया जाता है। इसे गरिष्ठ खाद्य पदार्थों और पूरकों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि B12 प्राकृतिक रूप से पौधों के खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं है, इसलिए शाकाहारियों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है कि उन्हें गरिष्ठ खाद्य पदार्थों या पूरक के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में सेवन मिलता रहे। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को विटामिन B12 को अवशोषित करने में कठिनाई हो सकती है, जैसे कि घातक एनीमिया या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों वाले लोगों। विटामिन B12 इंजेक्शन या मौखिक रूप से यानी मुँह के द्वारा कुछ खुराक लेने की आवश्यकता हो सकती है। विटामिन B12 के कारणों की बात करें तो विटामिन B12 की कमी विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। मुख्य रूप से अपर्याप्त सेवन, बिगड़ा हुआ अवशोषण या बढ़ी हुई आवश्यकता से संबंधित है। B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त मात्रा, विशेष रूप से शाकाहारी और शाकाहारियों के बीच जो अपने आहार से पशु उत्पादों को बाहर करते हैं, समय के साथ इसकी कमी हो सकती है। उम्र बढ़ने से पेट में एसिड और आंतरिक कारक का उत्पादन कम हो सकता है, जो B12 अवशोषण के लिए आवश्यक है, जिससे वृद्ध वयस्कों में इसकी कमी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसी स्थितियां जो B12 के उपयोग या मांग को बढ़ाती हैं, जैसे गर्भावस्था, स्तनपान या कुछ चिकित्सा उपचार, कमी में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कारण देखा गया है, काफ़ी समय पहले जब हमारे कैंप लगते थे स्वदेशी चिकित्सा के, तो हम ऐसे गांव में पहुंचे जिस गांव में RO का पानी पिया जाता था और वो पूरा गांव RO का पानी पीता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें हर घर में विटामिन B12 के पेशेंट मौजूद थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है। कारणों की बात हो गई, अब बात करते हैं लक्षणों की। विटामिन B12 की कमी के कई लक्षण हो सकते हैं जो शरीर में विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। लाल रक्त कोशिका उत्पादन में कमी के कारण थकान और कमजोरी हो सकती है, जिससे एनीमिया होता है। न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे हाथ और पैरों में झुनझुनी या सुन्नता हो सकती है, चलने में कठिनाई, याददाश्त संबंधी समस्याएं और मूड में बदलाव जैसे अवसाद या चिड़चिड़ापन आदि हो सकते हैं। ग्लॉसिटिक, जीभ की सूजन और मुँह के छाले आदि भी समस्या हो सकती है। दस्त या कब्ज, भूख न लगना, वजन कम होना और पेट दर्द सहित पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। गंभीर मामलों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें तंत्रिका क्षति और चरम सीमाओं में संवेदना की हानि होती है। इससे रीढ़ की हड्डी को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप चलने में कठिनाई हो सकती है। दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना और इसका उपचार कराना आवश्यक है। इन लक्षणों का अनुभव होने पर अपने योग्य चिकित्सक से परामर्श जरूर लीजिए। विटामिन B12 की कमी के से होने वाले रोगों के उपचार की बात करें तो इसमें आमतौर पर शरीर में विटामिन B12 के स्तर को बढ़ाने के लिए पूरक आहार शामिल किए जाते हैं। B12 की कमी का इलाज करने का सबसे आम तरीका होता है गोलियों के साथ मौखिक रूप में इसकी पूर्ति करना। ये सप्लीमेंट ओवर द काउंटर उपलब्ध हैं या विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके लिए आप एक बार अपने विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर ले लीजिए।
गंभीर मामलों में या जब B12 की अवशोषण की कमी होती है तो B12 इंजेक्शन आवश्यक हो जाता है। ये इंजेक्शन सीधे मांसपेशियों में B12 की उच्च खुराक पहुंचाते हैं, जिससे B12 भंडार का तेजी से अवशोषण और पुनः पूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। आहार परिवर्तन की बात करें तो मांस, मछली, मुर्गा पालन, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाने से शरीर में विटामिन B12 के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। शाकाहारियों के लिए गरिष्ठ खाद्य पदार्थ या B12 पूरक आवश्यक हो जाते हैं। एक नज़र बचाव पर डाल लेते हैं। विटामिन B12 की कमी को रोकने के लिए B12 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सुनिश्चित करें। अवशोषण को खराब करने वाले कारकों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को अपनाना शामिल करें। कमी को रोकने के कुछ तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने आहार में विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे मांस, मछली, शेलफिश, अंडे और डेयरी उत्पाद। फोर्टिफाइड अनाज, पौधे आधारित दूध के विकल्प और पौष्टिक खमीर जैसे फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को शामिल करें, खासकर यदि आप शाकाहारी आहार का पालन करते हैं। यदि कमी का खतरा है या केवल आहार के माध्यम से B12 की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं तो डॉक्टर द्वारा अनुशासित B12 अनुपूरक लेने पर विचार जरूर करें। अंतर्निहित स्थितियों जैसे कि घातक एनीमिया या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकारों का प्रबंधन करें जो B12 अवशोषण को खराब कर सकता है। इन सभी निवारक उपायों को अपनाकर आप पर्याप्त B12 स्तर बनाए रख सकते हैं और कमी से संबंधित जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। देखने में ये बातें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन जब ये व्यक्ति में B12 की कमी हो जाती है तो उससे होने वाली परेशानियों को सिर्फ वो पेशेंट ही समझ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना होने पाए। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।